आज की वीडियो में हम एक ऐसी एस के बारे में बात करने वाले हैं जिसने बहुत लंबे समय तक इंडियन कस्टमर्स के दिलों पर राज किया जो कि है टाटा सूमो गोल्ड टाटा सूमो को इंडिया के अंदर 1994 में इंट्रोड्यूस करा गया था उसके बाद इस गाड़ी को 2019 में डिसकन्टीन्यू करा गया इसके अंदर आने वाले इंजन और इसकी ख़राब सेफ्टी की वजह से ये गाड़ी लगभग 25 साल तक इंडिया में सेल पे रही हालांकि जल्द ही हमें टाटा सोमो गोल्ड का एक नया जनरेशन भी देखने के लिए मिलेगा ये गाड़ी हमें एक बिल्कुल नए अवतार में देखने के लिए मिलेगी कब तक सोमो गोल्ड का नया जनरेशन लॉन्च होगा किस प्राइस पॉइंट पे आएगा कैसे लुक्स फीचर्स और इंजन स्पेसिफिकेशंस इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगे सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो गाई वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट सबसे पहले सुमो के इस नेक्स्ट जनरेशन के एक्सटीरियर डिज़ाइन डायमेंशंस और प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो ये टाटा के ब्रांड न्यू जेला डिराइव्ड ओमेगा आग प्लेटफॉर्म पे बेस देखने के लिए मिलेगी इस गाड़ी की लेंथ हमें 4,400 mm, थाउजेंड फोर हंड्रेड एम mm एम और हाइट 1,750 थाउजेंड mm सेवन के आसपास की देखने के लिए मिल जाएगी वहीं इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस को भी हमें इंक्रीज़ करके प्रोवाइड करवाया जाएगा दो सौ दस तक की इसके हमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलेगी इसके ओवरऑल एक्सटीरियर के बारे में बात करें तो काफ़ी सारे अपडेट्स इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं आप सब जानते होंगे कि टाटा अब अपनी कार्स लैंड रोवर और जैगवार से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर बना रहे हैं कुछ ऐसा ही हमें अब सूमो के साथ भी देखने के लिए मिलेगा गाड़ी का फ्रंट काफ़ी ज़्यादा अपलाइट और डोमिनेटिंग रहने वाला है फ्रंट के अंदर हमें डुअल प्रोजेक्टर एल ई देखने के लिए मिलेगा डूअल डी एलिमेंट्स के साथ में क्रोम की फिनिश में इसके अंदर हमें ग्रिल देखने के लिए मिलेगी और फॉग लैम्प्स के बारे में बात करें तो वो हमें हेलोजन और एल दोनों ही ऑप्शनस में प्रोवाइड करवाई जाएगी आगे बढ़ते हुए रियर के बारे में बात करें तो रियर में इस गाड़ी के अंदर हमें एल ई टेल लैम्प क्लस्टर देखने के लिए मिलेगा पार्किंग लाइट्स के साथ में एडिशनली इस गाड़ी के रियर के अंदर हमें रूफ माउंट स्पॉइलर रूफ माउंट स्टॉप लैम्प रियर वाइपर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स रिवर्स पार्किंग कैमरा विद डायनामिक गाइडलाइंस और रिफ्लेक्टर्स भी देखने के लिए मिलेंगे साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इस नई जनरेशन सुमो के अंदर हमें आर सेवनटीन इंचज़ के प्रिसीजन कट व्हील्स देखने के लिए मिलेंगे इसके टॉप मॉडल के अंदर विंडो पे हमें क्रोम लाइनिंग भी प्रोवाइड करवाई जाएगी ओ आर वी एम्स ऑटोफोल इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट्स के साथ में आएंगे और माउंटेड इंडिकेटर स्पोर्ट करेंगे लास्टली रूफ के फीचर्स के बारे में बात करें तो एक्सटीरियर में रूफ़ के ऊपर हमें फंक्शनल रूफ रेल्स शाक्विन एंटेना और एक इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने के लिए मिलेगा जो कि एंटाइप पिंच के साथ साथ रेन सेंसिंग भी स्पोर्ट करने वाला है इस गाड़ी के ऑफ रोड करैक्टर को एनहेंस करने के लिए इसके अंदर हमें क्लैडिंग का यूज़ भी देखने के लिए मिलेगा जो कि व्हील आर्चिस को भी कवर करेगा प्रोटेक्शन के लिए इस गाड़ी में हमें अंडरबॉडी स्किड भी दी जाएगी आगे बढ़ते हुए पावर ट्रेन ऑप्शन के बारे में बात करें कि नई जनरेशन शूमों के अंदर हमें कौन से इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे और उनकी क्या स्पेसिफिकेशनस रहेंगी तो इस गाड़ी के अंदर हमें दो इंजन ऑप्शन प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिनमें पहला रहने वाला है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन यह इंजन हमें वन फिफ्टी के आसपास की पावर निकाल के देगा लेकिन फिलहाल ये इंजन टेस्टिंग के अंदर चल रहा है यही सेम इंजन हमें जल्द ही टाटा सफारी हैरियर और आने वाली ब्लैकबर्ड के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा दूसरा इसके अंदर आएगा टू लीटर फोर सिलेंडर मल्टीजेट डीजल इंजन ये इंजन हमें 167 सिक्सटी की पावर देगा और 350 फिफ्टी न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क पुरानी सूमो की तरह नई सूमो के अंदर भी वन थाउजेंड पे टर्बो एक्टिवेट हो जाएगा ट्रांसमिशन ऑप्शंस के बारे में बात करें तो गाड़ी के अंदर हमें सिक्स स्पीड मैनुअल एम और नया डी भी देखने के लिए मिलेगा वहीं मोस्ट एक्सपेक्टेड इस गाड़ी के अंदर हमें फ़ोर बाय फोर भी ऑफर करा जाएगा तो एक तरह से कह सकते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और थार से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन रखने वाली है आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जनरेशन टाटा सूमो गोल्ड के इंडिया के अंदर प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो इस गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस हमें टेन लाख ऑनवर्ड्स का देखने के लिए मिल जाएगा वहीं कई सारी न्यूज़ और रूमर्स के मुताबिक ये गाड़ी डेवलपमेंट फेज में चल रही है तो इसकी लॉन्च डेट हम आने वाले दो साल के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे बढ़ते हुए इंटीरियर के लुक डिज़ाइन और फीचर्स के बारे में बात करें तो इस गाड़ी का इंटीरियर हमें डुअल टोन की फिनिश के अंदर देखने के लिए मिलेगा जो कि टॉप मॉडल तक सेमाई लेदर अपोलस्ट्री स्पोर्ट करेगा इस गाड़ी के अंदर हमें टिल्ट एडजस्टमेंट्स के साथ में फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील दिया जाएगा जो कि स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल दोनों के साथ में आएगा टॉप मॉडल तक इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करें तो वो हमें सेम नेक्सॉन जैसा देखने के लिए मिलेगा यानी कि फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस गाड़ी के अंदर आएगा बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक इन्फोटेनमेंट के बारे में बात करें तो सोमो गोल्ड के नए जनरेशन के अंदर हमें 8.8 इंच की फ्लोटिंग टच स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी इसका रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है बहुत ज़्यादा स्मूथ और लैक फ्री ये स्क्रीन रहेगी सभी तरह की कनेक्टिविटीज़ इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगी जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले ब्लूटूथ और ऑगजिलरी एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार्पले इस गाड़ी के अंदर हमें वायरलेस के साथ में देखने के लिए मिल जाएंगे साथ ही में आयरा टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट करेगी जिसमें हमें लास्ट लोकेशन लास्ट टॉप स्पीड और जियो फेंसिंग जैसे कई सारे मोबाइल कनेक्टेड फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं डुअल जोन ए इस गाड़ी के अंदर आएगा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स के साथ में एक गाड़ी पूरी तरह से कीलेस रहने वाली है पुश बटन स्टार्ट स्टॉप इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा और स्मार्ट की इसके अंदर हमें दी जाएगी फ्रंट की दोनों सीट्स हमें सिक्स वे एडजस्टेबल देखने के लिए मिलेंगी जो कि टॉप मॉडल तक इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रहने वाली हैं ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए हमें स्लाइडिंग आर्मरेस्ट वायरलेस चार्जर और कप होल्डर्स भी दिए जाएंगे ड्राइवर साइड हमें ऑल फोर पावर विंडोज़ और ओ के कंट्रोल प्रोवाइड करवाए जाएंगे फ्रंट में इस गाड़ी के अंदर हमें ऑटोमेटिक हेड हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स दिए जाएंगे ऑटो डिम के साथ आई आएगा ओ आर वी एम्स ऑटो फोल इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट्स के साथ में दिए जाएंगे और माउंटेड इंडिकेटर सपोर्ट करेंगे इस गाड़ी के टॉप मॉडल तक हमें एम्बेंट लाइटिंग भी देखने के लिए मिल सकती है वहीं रियर की सीट्स के बारे में बात करें तो वो हमें सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट रेशियो के अंदर दिए जाएंगी एडजस्टेबल हेड इनके अंदर हमें प्रोवाइड करवाया जाएगा रियर की सीट्स के अंदर हमें इंटीग्रेटेड आर्म दिया जाएगा ट्विन कप होल्डर्स के साथ में रियर के पैसेंजर्स के लिए हमें सेपरेट ए सी वेंट्स और ट्वेल्व वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे एडिशनली इस गाड़ी का बूट स्पेस हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलने वाला है बूट के अंदर हमें लगेज लैंप्स के साथ साथ एक इंच छोटा स्पेयर व्हील भी दिया जाएगा इंटीरियर में रूफ के ऊपर क्या क्या मिलेगा उस चीज़ के बारे में बात करें तो इसके इंटीरियर में रूफ के ऊपर हमें सनग्लास होल्डर्स केबिन लाइटिंग और इलेक्ट्रिक सन देखने के लिए मिलेगा जो कि एंटाइपिच और रेन सेंसिंग दोनों के साथ में आने वाला है एक तरह से कह सकते हैं कि पुरानी सूमो के अंदर जो फीचर्स और प्रीमियमनेस मिसिंग थी वो इस सूमो के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाएगी आगे बढ़ते हुए इस नई जनरेशन सूमो के सेफ्टी के बारे में बात करें क्योंकि पिछली सूमो के डिसकन्टिन्यू होने के पीछे सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा रीज़न था तो नई सूमो के अंदर हमें काफ़ी सारे अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे सबसे पहले इसको ओमेगा आर्ग प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाएगा इस गाड़ी के अंदर हमें टॉप मॉडल तक छः एयर बैग देखने के लिए मिलेंगे फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक्स गाड़ी के अंदर आएंगे थ्री पॉइंट सीट बेल्ट और आइसोफिक सीट माउंट्स के साथ में एडिशनली इसके अंदर हमें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स रिवर्स पार्किंग कैमरा भी देखने के लिए मिलेगा डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ में ए बी डी ई सी एस ट्रैक्शन कंट्रोल हिल स्टार्ट असिस्ट हिल होल्ड असिस्ट रोल ओवर मिटिगेशन ई एस पी प्रोग्राम कॉर्नरिंग के लिए और टी पी एम एस जैसे फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे यानी कि इस गाड़ी की सेफ्टी में हमें सिग्निफिकेंट अपडेट्स दिए जाएंगे बाकी गाइज नेक्स्ट जनरेशन टाटा सूमो गोल्ड के बारे में आप सबका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना अगर आप लोग चाहो मैं किसी पर्टिकुलर कार या फिर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और इस वीडियो के लिए इतना ही आई होप्स ये वीडियो आप सबको पसंद ज़रूर आई होगी अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई तो एक लाइक कर देना और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर